हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड इंडिया की एक लीडिंग टेक कंपनी है। 2008 में जब पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल क्राइसिस था, उस टाइम पे TCS, इंफोसिस और विप्रो ये कंपनीज भी स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन उसी टाइम पे HCL ने अपना प्रॉफिट 4 गुना कर लिया। इनफैक्ट आज की डेट में भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन के टर्म्स में अगर देखा जाए तो HCL, इंफोसिस, TCS और विप्रो जैसी कंपनीज से बहुत ज्यादा आगे है। सवाल ये आते हैं कि रिसेशन के टाइम पे जब सारी कंपनीज ब्लीड कर रही थी, उस टाइम पे HCL ने अपना प्रॉफिट 400 गुना कैसे बढ़ा दिया, और क्या है वो बिजनेस लेसन्स जो हम इस केस स्टडी से सीख के अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 1976 में, जब दिल्ली क्लॉथ मिल्स के 6 इंजीनियर्स साथ में बैठ के कैंटीन में खाना खा रहे थे और अपनी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे। वहीं पे उन इंजीनियर्स में से एक 30 साल का इंजीनियर जिनका नाम था शिव नदर, वो खड़े होते हैं और सबको मोटिवेट करते हैं कि क्यों ना हमें अपनी जॉब छोड़ के सारे लोग मिलकर एक कंपनी शुरू करें और पर्सनल कंप्यूटर सेल करें, क्योंकि आने वाला टाइम पर्सनल कंप्यूटर्स का होने वाला है। और उसी टाइम पे सारे के सारे लोगों को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। सब लोग कुछ दिन बाद अपनी जॉब को क्विट कर देते हैं और HCL की शुरुआत करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि पैसा तो था ही नहीं इन लोगों के पास। अब क्योंकि ये 6 के 6 लोग इंजीनियर्स थे और दिल्ली क्लॉथ मिल्स के कैलकुलेटर डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो इनको एक आइडिया आया कि क्यों ना हम टेली डिजिटल कैलकुलेटर सेल करना शुरू करें, जिसके लिए इन्होंने एक छोटी कंपनी बनाई जिसका नाम था माइक्रोकॉम्प लिमिटेड। तो इन लोगों का प्लान ये था कि कैलकुलेटर्स बेच के जो पैसा आएगा उससे हम अपनी ड्रीम कंपनी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर्स बेचने वाली कंपनी खड़ी करेंगे। और सिर्फ 1 साल में कैलकुलेटर्स बेच के 20 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, जिससे इन 6 लोगों ने HCL की शुरुआत कर दी। 2008 में जब ग्लोबल रिसेशन आया तो हर कंपनी खुद को बचाने के लिए कॉस्ट कटिंग करने लगी। उस टाइम के सीईओ मिस्टर विनीत नायर ने इस पूरी की पूरी क्राइसिस के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी और HCL का सारा बिजनेस टोटल IT आउटसोर्सिंग के ऊपर शिफ्ट कर दिया। यानी कि अब HCL सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर BPO और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज तक सारी चीजें करेगी। और क्योंकि आउटसोर्सिंग बहुत सस्ती पड़ती है, तो HCL ने अपनी टोटल आउटसोर्सिंग स्ट्रेटेजी के चलते मार्केट की इस पूरी की पूरी कॉस्ट कटिंग की डिमांड को उसी वक्त पूरा कर दिया। लेकिन IT आउटसोर्सिंग तो TCS, इंफोसिस और विप्रो भी कर रहे थे, और इन लोगों की कैपेसिटी तो HCL से बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी HCL ने इन सारी कंपनीज को बीट कैसे कर दिया? तो इसको बहुत ध्यान से समझना। TCS, इंफोसिस और विप्रो, इन तीनों कंपनीज का जो प्राइम फोकस था वो था कस्टमर को बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी सर्व करना, यानी कि वो कस्टमर को कैसे तगड़ी से तगड़ी टेक्नोलॉजी लाकर दे सके। लेकिन HCL ने ये आइडेंटिफाई किया कि टेक्नोलॉजी बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज के पास सेम ही है, तो हम डिफरेंशिएशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं? यानी कि उन्होंने ये नोटिस किया कि TCS, इंफोसिस और विप्रो गलत वैल्यू जोन के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। वैल्यू जोन बिजनेस का वो जोन होता है जहां पे कस्टमर के लिए मैक्सिमम वैल्यू जनरेट होती है। HCL ने आइडेंटिफाई किया कि IT सर्विस बिजनेस के अंदर जो रियल वैल्यू जोन है वो है एम्प्लॉय कस्टमर इंटरफेस, और यही से HCL ने अपनी पहली स्ट्रेटेजी बनाई। उनकी पहली स्ट्रेटेजी बनी एम्प्लॉयज फर्स्ट एंड कस्टमर्स सेकंड। बहुत लोगों को ये बहुत क्रेजी कॉन्सेप्ट लगेगा कि यार एम्प्लॉयज को पहले रख रहे हैं और कस्टमर्स के बारे में बाद में सोचें, क्यों? तो देखो, HCL ने देखा कि कंपनी के जो सबसे लो लेवल के एम्प्लॉयज हैं, कस्टमर्स से तो एक्चुअली में वही लोग डील करते हैं, तो क्यों ना उनके लिए कुछ करा जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए HCL ने अपने पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही उल्टा कर दिया। सो ऑर्गेनाइजेशनल पिरामिड कुछ इस तरीके का दिखता है। सबसे पहले आते हैं लो लेवल के एम्प्लॉयज जो कि एक्चुअली में कस्टमर से डील करते हैं, उसके ऊपर आता है मिड लेवल का मैनेजमेंट, और उसके ऊपर आते हैं टॉप लेवल के मैनेजर्स यानी कि CEO, CFO, CXOs, ये सारे के सारे लोग। HCL ने इसी पिरामिड को उल्टा कर दिया। अब देखो कैसे हुआ ये। जो सबसे लो लेवल के एम्प्लॉयज हैं यानी कि शॉप फ्लोर वाले एम्प्लॉयज जो कि एक्चुअली में कस्टमर से डील करते हैं, उनकी खुशी बनी HCL की टॉप प्रायोरिटी, और उनको खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी? मिड लेवल के मैनेजर्स को। और मिड लेवल के मैनेजर्स को भी खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली टॉप मैनेजमेंट को, यानी टॉप मैनेजमेंट सिर्फ मिड मैनेजमेंट का ध्यान रखेगा और मिड मैनेजमेंट का काम है सबसे लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज है उनको पूरी तरीके से खुश रखना। अब ऐसा क्यों किया गया? सो देखो, फॉर एन एग्जाम्पल, आप मान लो डीमार्ट में शॉपिंग करने जाते हो, अगर आपसे जो बंदा बिलिंग काउंटर पे खड़ा है वही अच्छे से बात ना करे तो आपका एक्सपीरियंस कितना खराब जाएगा ना। सिमिलरली जो लो लेवल के एम्प्लॉयज है जो एक्चुअली में कस्टमर से डील करते हैं, अगर वही लोग खुश नहीं होंगे तो वो लोग कस्टमर्स को अच्छी सर्विस कैसे देंगे? और यही चीज HCL ने आइडेंटिफाई करी। नाउ सी द मैजिक, जहां पे TCS, इंफोसिस और विप्रो इन तीनों कंपनीज का एवरेज रेवेन्यू पर एम्प्लॉय यानी कि हर एक एम्प्लॉय कितना पैसा लेके आ रहा है कंपनी में, $46,500 था, वहीं पे HCL ने इस छोटे से चेंज से अपना एवरेज रेवेन्यू पर एम्प्लॉय 57,800 तक पहुंचा दिया। लेकिन ये सारी चीजें तब हो रही थी जब HCL ने अपने सारे एम्प्लॉयज की सैलरी आधी कर दी थी। वेल, ये कैसे हो सकता है कि आधी सैलरी के अंदर भी एम्प्लॉयज 2 गुना रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? सो इसका आंसर छुपा है HCL की दूसरी और सबसे गेम चेंजिंग स्ट्रेटजी के अंदर। यूजुअली हर कंपनी के अंदर टॉप स्ट्रेटजी टू बॉटम एग्जीक्यूशन की चेन फॉलो होती है, यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो लोग स्ट्रेटजीज बनाते हैं, आइडियाज बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं मिड लेवल और लो लेवल के मैनेजर्स। और इसी चेन के अंदर HCL ने एक बहुत बड़ा फ्लॉ निकाला, वो फ्लॉ है क्रिएटिव डिक्राय। इन सिंपल वर्ड्स, बिना किसी को अपॉर्चुनिटी दिए उसकी क्रिएटिव एबिलिटीज को डीवैल्यू करना।
और फिर HCL ने अपनी दूसरी स्ट्रेटेजी यूज करी जो कि है द पावर ऑफ आइडिया प्रनोरशिप। आसान भाषा में एम्प्लॉयज के आइडियाज से एंटरप्रेन्योरशिप करना। अब इस आइडिया प्रनोरशिप को अनबीटेबल बनाने के लिए HCL ने मेनली तीन चीजें करी। नंबर वन, वैल्यू पोर्टल। ये एक ऐसा पोर्टल बनाया जहाँ पे एम्प्लॉयज कस्टमर्स से डायरेक्टली इंटरेक्ट करके उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करके उनको आइडियाज और सॉल्यूशंस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, HCL का एक क्लाइंट है जिसको अपनी कॉस्ट ऑप्टिमाइज करानी है, यानी कि अपनी कॉस्ट कम करानी है। अब जो HCL के एम्प्लॉयज है वो इसी से रिलेटेड, इस गोल से रिलेटेड अपने आइडियाज वैल्यू पोर्टल पे डाल सकते हैं। वैल्यू पोर्टल पे ये आइडिया जाते ही उसको एक पैनल रिव्यू करेगा, उसके बाद वो लोग उस आइडिया को स्टार रेटिंग देंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4 चार स्केल की रेटिंग के अंदर से वो उसको रेट करेंगे कि यार ये आइडिया कितने स्टार्स डिजर्व करता है। और फाइनली एंड में अगर वो आइडिया 3 स्टार या 4 स्टार आइडिया होगा तो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के ऊपर फोकस किया जाएगा और उसी आइडिया से उस क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। इससे कंपनी और एम्प्लॉयज दोनों के लिए एक विन-विन सिचुएशन क्रिएट हुई। कैसे? देखो, सबसे पहले जब एम्प्लॉयज ने एक आइडिया बनाया और उस आइडिया को एग्जीक्यूट करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिला, साथ साथ उनको एक्चुअली में एंटरप्रेन्योरशिप की फीलिंग भी अचीव हुई। इसके अलावा जब कंपनी ने एक्चुअली में किसी क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, वो भी एम्प्लॉयज के आइडियाज से, तो वो जो सॉल्यूशन बना वो सॉल्यूशन कंपनी और सारे क्लाइंट्स को भी तो बेच सकती है, तो कंपनी की यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉस्ट भी बच गई। कंपनी में इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए उन्होंने MacJam बनाया। MacJam एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा पोर्टल है जहाँ पे जितने भी लोगों के जो आइडियाज हैं वो एग्जीक्यूट करे गए हैं, उन आइडियाज को रिकॉग्निशन दिया जाएगा और उन आइडियाज को पूरी की पूरी कंपनी का जो इंटरनेट है, यानी HCL का अपना इंटरनेट जहाँ पे सारे के सारे एम्प्लॉयज कनेक्टेड हैं, वहाँ पे शेयर किया जाएगा। इससे होता क्या है, जिस एम्प्लॉय ने एक्चुअली में वो आइडिया क्रिएट किया है उसको इतना ज़्यादा रिकॉग्निशन मिल जाता है कि उसको एक्चुअली में एक बहुत ज़्यादा अचीवर की फीलिंग मिलती है। दूसरी चीज़, मीम नेटवर्क। ये वो वाला मीम नहीं है, मीम नेटवर्क एक्चुअली में एक प्राइवेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि HCL के एम्प्लॉयज के लिए है सिर्फ, जहाँ पे HCL के एम्प्लॉयज यानी कि PM से लेके CEO सब लोग अपने फोटोज वीडियोज शेयर कर सकते हैं, मैसेजिंग पे बात कर सकते हैं, इनफॉर्मली अपनी सारी की सारी लाइफ की जो हैपनिंग्स है वो एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। इससे एम्प्लॉयज के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ती है। और तीसरी चीज करी लीड जेन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो कि लो लेवल के मैनेजर्स को टॉप लेवल मैनेजमेंट से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। अभी इतना जरूरी क्यों है तो उसको ध्यान से समझना। जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो लोग AC केबिन्स में बैठ के स्ट्रेटजीज बिल्ड करते हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता होती क्योंकि वो लोग कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। और जो लो लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं जिनको डिलीवरी एम्प्लॉयज भी कहा जाता है क्योंकि वो लोग एक्चुअली में कस्टमर से डील करते हैं, उन एम्प्लॉयज को एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी पता होती है, कस्टमर्स की रियल प्रॉब्लम्स उन लोगों को पता होती है। तो लीड जेन के थ्रू ये जो डिलीवरी एम्प्लॉयज हैं ये सारी की सारी चीज़ें नोट डाउन करके एक लीड कैप्चर फॉर्म में डालते हैं, जो फॉर्म मिड लेवल मैनेजर्स और सीनियर लेवल मैनेजर्स तक पहुंचना नेसेसरी बन जाता है इस कंपनी के अंदर। यानी कि अब मिड लेवल मैनेजर्स और टॉप लेवल मैनेजमेंट सबको इस बात की खबर है कि एक्चुअली में कस्टमर की नीड क्या है और कस्टमर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, जो कि HCL को मदद करता है कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने में और एक अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस डिलीवर करने में। लेकिन IT बिजनेस के अंदर एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से 90% IT कंपनीज बैंकक्रप्ट होती है। उस प्रॉब्लम का नाम है बुरिश कस्टमर्स। इन सिंपल वर्ड्स, आपके साथ कस्टमर्स तभी तक रहते हैं जब तक कस्टमर्स को आपसे बेटर कोई प्राइस ऑफर नहीं कर देता। जिस दिन उनको कोई आपसे बेटर प्राइस ऑफर कर देता है, कस्टमर्स आपके यहाँ से जंप करके उनके पास चले जाते हैं। और ये चीज IT सर्विस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। क्यों? क्योंकि IT सर्विस बिजनेस के अंदर जो क्लाइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई टिकट वैल्यू के होते हैं, वहाँ पे छोटे मोटे क्लाइंट्स नहीं होते, क्लाइंट्स हमेशा बड़ा बिजनेस लेके आते हैं और जब वो लोग जंप करते हैं तो कंपनी के हाथ से बहुत बड़ा रेवेन्यू एक बार में चला जाता है। एंड स्पेशली 2008 के रिसेशन के टाइम पे और इनफैक्ट अभी कोविड के टाइम पे भी ये जो कस्टमर्स का जंप रेट था ये बहुत हाई था, लेकिन तब भी HCL के 85% क्लाइंट्स HCL के साथ ही रुके रहे। अब ये सारी चीजें कैसे करी HCL ने? बट उससे पहले मेरे पास आपके लिए कुछ बहुत एक्साइटिंग है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है लेकिन आपके पास स्किल्स हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा रीलेवल। रीलेवल स्किल बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करता है जहां पे आपकी स्किल्स को टेस्ट किया जाता है और उसके बाद आपको ग्रो, अपग्रेड, क्रेड, मीशो इन बड़ी बड़ी कंपनीज के सामने अपनी स्किल्स को प्रेजेंट करने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। यानी कि रीलेवल पे आप सिर्फ अपनी स्किल्स के दम पर इन सारी बड़ी कंपनीज के अंदर इजीली जॉब ले सकते हो। आपको करना सिर्फ इतना है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाके साइन अप करो और अपना रीलेवल टेस्ट दो। उसके बाद आपको एक रीलेवल स्कोर मिलेगा जिसके दम पे आप इन सारी कंपनीज के अंदर इंटरव्यूज के लिए अप्लाई कर सकते हो। दो रीजंस बताऊंगा कि रीलेवल आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों है। नंबर वन, स्किल बेस्ड हायरिंग। अगर आपके पास स्किल्स हैं, डिग्री नहीं भी है तो भी आपको इजीली जॉब मिल जाएगी सिर्फ रीलेवल स्कोर के दम पे, लेकिन उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा और रीलेवल स्कोर निकालना पड़ेगा।
और दूसरा रीजन 100% फ्री। रीलेवल टेस्ट देने के लिए आपको एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए 100% फ्री है। आप बस अपना टेस्ट दो, स्कोर निकालो और कंपनीज के अंदर अप्लाई कर दो। तो अगर आपको भी अपने करियर के अंदर एक किकस्टार्ट चाहिए तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, अभी साइन अप करो और अपनी जर्नी की शुरुआत करो। HCL की थर्ड स्ट्रेटजी बनी डीकोडिंग वैल्यू सेंट्रिसिटी। इसका क्या मतलब है, सो इसको बहुत ध्यान से समझना। बिजनेसेस के रिक्वायरमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है क्योंकि बिजनेसेस बहुत डायनामिक होते हैं। कभी किसी बिजनेस के अंदर चीजें ज्यादा चाहिए होंगी तो कभी कम चाहिए होंगी, कभी डिमांड ज्यादा होगी तो कभी डिमांड कम होगी, कभी कॉस्ट ज्यादा होगी तो कभी कॉस्ट कम होगी। ये सारे चेंजेस बिजनेस के अंदर बहुत रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं। अब ये जो बिजनेसेस हैं ये HCL के कस्टमर्स हैं। इन कस्टमर्स को लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन करने के लिए HCL ने डिजाइन किया प्रोसेस रिविजन सिस्टम्स। फॉर एन एग्जाम्पल, एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो कि इस टाइम पे वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस चलाती है। अब इस कंपनी को जो मेन चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो आखिर क्या क्या हैं? नंबर वन, फास्ट शिपमेंट्स। दूसरा, पीक सीजन फ्लक्चुएशंस। लॉजिस्टिक्स बिजनेस के अंदर कुछ कुछ सीजन के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत सारे पार्सल जाते हैं, कुछ कुछ में नहीं जाते हैं, तो इसके लिए कंपनी को एक एसेट लाइट मॉडल के ऊपर शिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है। तीसरा, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन। लॉजिस्टिक्स बिजनेस के अंदर कॉम्पिटिशन धीरे धीरे बढ़ी जा रहा है। चौथा चैलेंज, न्यू टेक्नोलॉजीज। जो कॉम्पिटिटर्स है वो नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। और पांचवा, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। जो कॉम्पिटिटर्स है उन्होंने बहुत सारे मर्जर्स और एक्विजिशंस भी कर लिए हैं। अब इन सारी चैलेंजेस को कैसे सॉल्व करेगा ये बिजनेस, और यहीं पे HCL का रोल आता है। अब देखो, HCL ने इस लॉजिस्टिक्स बिजनेस के लिए ये सारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करी। सबसे पहले उन्होंने एक कोर प्लेटफॉर्म बनाया जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर बिजनेस को बिजनेस की सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। इसके अलावा उनको ये भी पता लग जाता है कि आने वाले टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर सकते हैं, जिसके लिए वो अभी मेजर्स उठा सकें, यानी कि वो अभी स्टेप्स ले लेंगे, बाद में वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। उसके बाद उन्होंने दूसरा, बिलिंग सिस्टम्स के अंदर इंप्रूवमेंट्स करी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, यानी कि अब बिलिंग सिस्टम्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनवॉइस जनरेशन बहुत सिंपल कर दिया। तीसरा, ऑटोमेशन क्रिएट किया, यानी कि एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जिसके थ्रू इन्वेंटरी मैनेजमेंट से लेके बिलिंग इनवॉइसेस ये सारी की सारी चीजें ऑटोमेट हो गई, किसी भी चीज को करने के लिए ह्यूमन लेबर की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी। और चौथा, बिजनेस प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन। बिजनेस के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस थी उनको कट शॉर्ट किया और उनको ट्रांसफॉर्म किया टेक्नोलॉजी का यूज करके, यानी कि स्टेप्स को एलिमिनेट किया जिससे कि कंपनी की बहुत ज्यादा कॉस्ट बची। अब देखो कंपनी को क्या क्या बेनिफिट्स हुए इससे। अब देखो HCL ने इस लॉजिस्टिक्स बिजनेस के लिए कितनी ज्यादा वैल्यू क्रिएट करी। सबसे पहला, कॉस्ट रिडक्शन, उनकी बहुत सारी कॉस्ट बचाई। उसके अलावा जो दूसरी चीज उन्होंने करी, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च टाइम 1/3, यानी कि जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए टाइम लगेगा वो अब 1/3 पे लेके आ गए हैं, सिर्फ 1/3 टाइम में वो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। तीसरा, 8x इनवॉइस प्रोसेसिंग, उनकी जो इनवॉइस प्रोसेसिंग की स्पीड है उसको 8 गुना बढ़ा दिया। और चौथा, 90% लीड टाइम रिडक्शन, यानी कि प्रोडक्ट्स का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का जो लीड टाइम होता था उसको 90% रिड्यूस कर दिया। और ये हमें लेके आता है उन तीन इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसंस की तरफ जो हम इस केस स्टडी से सीख के अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहला लेसन, क्वालिटी एज अ सर्विस। अगर आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर हो जहां पे आपका प्रोडक्ट और कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम है, तो आप यहां पे अपनी सर्विस के थ्रू क्वालिटी डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर चलाते हो और आपके साइड में एक और ग्रोसरी स्टोर है, तो अब आप ऐसी क्या क्वालिटी सर्विस दे सकते हो अपने कस्टमर्स को जो कि आपका साइड वाला स्टोर नहीं दे रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट तो ऑलमोस्ट आप और वो सेम ही बेच रहे हो। दूसरा लेसन, रिसेशंस आर फुल ऑफ गिफ्ट्स। हर एक रिसेशन के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज छुपी होती है। इस दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी, यहां तक कि माइक्रोसॉफ्ट भी रिसेशन के टाइम पे ही शुरू हुई थी। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन, रिलेशनशिप बियॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स फिनिश बट रिलेशनशिप्स डोंट। अपने रिलेशनशिप्स को हमेशा नर्चर करते रहो, क्योंकि ये हमेशा याद रखना, नेटवर्किंग विल पुट यू इनटू प्लेसेस वेयर योर रेज्यूमे विल नॉट। आपको नेटवर्किंग वहां बिठा देगी जहां पे आपका रेज्यूमे कभी बिठा नहीं सकता। बाय द वे, रेज्यूमे से याद आया, रीलेवल को चेकआउट करना भूलना मत, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। पैंडमिक के बावजूद जहां पे मैकडॉनल्ड्स और KFC जैसे बिजनेसेस भी लॉस कर रहे थे, डोमिनोज ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट किया। कैसे? वेल, इसको समझना है तो आप राइट वाली वीडियो देख सकते हो, वरना ओयो की सीक्रेट बिजनेस स्ट्रेटजीज आपको लेफ्ट वाली वीडियो से पता लग ही जाएगी।